तो और मेरे भाइयों कैसे हो रहा है। तो देखो भाई, अभी एक बंदा इस वाले प्लेन पे लाइफ बैन हुआ है, और भाई हम लोग यहाँ पे उस बैन वाले बंदे को मारने के लिए प्लेन के साथ पूरा एंड में जम कर रहे होते हैं। गाइस, जो बंदा बैन हुआ है भाई, मैं तुमको उस बंदे का आईडी को सर्च करके दिखाऊंगा अभी कि उस बंदे को लगा है भाई 10 साल का बैन। उस बंदे की आईडी 10 साल के लिए परमानेंट बैन हो अरे चुकी यार है, गाड़ी और भाई भी उस बंदे का केडी भाई 127 का केडी उस बंदे का, मतलब गॉड लेवल का हैकर था वो भाई। उसके पास हर तरह का हैक था। लेकिन गाइस, जैसे ही वो मैच में आया तो भाई उसको बीजे वालों ने भाई दे दिया परमानेंट बैन। और यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे वो बंदा अभी कूद रहा है, ऑफलाइन है वो बंदा। और भाई यहाँ तुम लोग देखते जाओ भाई, देखो इन नल्ले हैकरों का यही हालत होना चाहिए। इन लोगों की आईडी को भाई देखो 10 साल के लिए बैन तो करना ही चाहिए। और भाई यहाँ देखो, मैंने एक हैकर को मारा, और भाई शायद इस वाले मैच में 2 हैकर बैन होता मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं फिलहाल तुम लोग को भाई उस नल्ले हैकर का आईडी को सर्च करके दिखा देता हूँ। और गाइस, यही है वो नल्ला हैकर एनटीआर विश्वजीत नाम है इसका शायद से। और भाई देखो, इस वाले बंदे का मैं तुमको केडी दिखाऊंगा भाई। इसका ओल्ड सिस्टम के हिसाब से जो केडी है, ब्रैकेट वाला केडी भाई, इसका ऑलमोस्ट 127 का केडी है। और भाई न्यू सिस्टम के हिसाब से भाई इसका ऑलमोस्ट 18 का केडी है। मतलब भाई गॉड लेवल का हैकर था ये। लेकिन भाई इसको प्लेन के अंदर बैठते ही भाई बीच में वालों ने परमानेंट बैन दे दिया। और भाई देखो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि भाई चलो बीच में वाले हैकर को भी फिलहाल बैन करने लग गए हैं। और गाइस देखो, ये जो वाला गेम प्ले भाई, ये गेम प्ले भी डुओ कॉन्करर लॉबी का है। और गाइस, अगर तुम लोग नेक्स्ट सीजन C1H3 में अगर तुमको डुओ कॉन्करर जाना है, तो गाइस आज वाला वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं तुम लोग को बताऊंगा गाइस, तुमको हैकर वाले लॉबी में किस तरीके से सर्वाइव करना है। और गाइस, अगर तुम लोग का पॉइंट प्लस नहीं हो रहा, मैं तुम लोग को टाइमिंग भी बताऊंगा भाई, तुमको कौन सा टाइम पे खेलने पे ज्यादा पॉइंट का प्लस मिलेगा। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और भाई फिलहाल तुम लोग यहाँ देख लो गाइस, अब यहाँ पे देखो सीन कुछ ऐसा कि भाई देखो, मेरे को बंदे चारों बगल स्पॉट हो रहे, लेकिन भाई हर बंदा जो है कवर के अंदर रुक के फाइट ले रहा होता है। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ बंदे को डैमेज देने का ट्राई कर रहा होता हूँ, क्योंकि भाई देखो बंदे के पास जब प्रॉपर कवर है ना भाई, तुम उस वाले बंदे को मार ही नहीं सकते, ठीक है। और भाई यहाँ तुम लोग देखते जाओ, मेरे को एक और बंदा स्पॉट हुआ। अब भाई यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, और नॉक करने के बाद भाई सबसे पहले अपना किल को सिक्योर करूंगा। अब देखो भाई, मैं तुम लोग को बताऊंगा भाई तुमको हैकर वाले लोगों को सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। लेकिन कहते देखो, उससे पहले मैं तुम लोग को दो बात बता देता हूँ कि भाई देखो, हैकर जो है दो टाइप का होता है। एक पहला हैकर जिसके पास नॉर्मल टाइप का हैक होगा, एक दूसरा हैकर भाई जिसके पास हर तरह का तुमको हैक मिलेगा। तो भाई देखो, अगर तुम्हारे मैच में कोई नॉर्मल हैकर आता है, तो भाई उस वाले मैच में तुम लोग सेंटर वाला बिल्डिंग को होल्ड करने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई देखो, अगर तुम्हारे मैच में कोई स्पीड हैकर या फिर भाई कोई गॉड लेवल का हैकर आता है ना भाई, सेंटर जाने की तो भूल जाओ, जोन जाने का भी गलती मत कर देना। तुम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जोन के बाहर रहो, जोन के बाहर ही बैंडेज मारते रहो। और भाई जब तक डेथ जोन ना आ जाना भाई, तुम लोग तब तक जोन के अंदर जाना मत। अगर तुम लोग जोन के अंदर जाओगे और भाई अगर जोन के अंदर कोई स्पीड हैकर हुआ ना, तो भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा भाई बंदा आया कहाँ से, तुम मरे कहाँ से, तुम गए कहाँ पे। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अभी इस वाले मैच में कि स्पीड हैकर होता किस टाइप का, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखो तो भाई तुम लोग को पता चल जाएगा। और भाई फिलहाल तुम लोग यहाँ देख लो गाइस, यहाँ पे फिलहाल अभी बस 9 बंदा बचा हुआ है, और भाई कोई भी बंदा जोन के अंदर नहीं है भाई, हर टीम अभी फिलहाल जोन के बाहर है। और देखो गाइस, अगर तुम लोग जोन के अंदर होते और भाई तुम्हारे पास कोई भी कवर है ना जोन के अंदर, प्रॉपर कवर है, तो भाई कभी भी तुम लोग एंड जोन में जोन के बाहर वाले बंदे से नॉक खाने की गलती मत करना। अभी फिलहाल देखो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग अगर जोन के बाहर वाले बंदे से नॉक खाएंगे ना, हमारे ऊपर अंधा पुश आएगा भाई, चारों बगल से पुश आएगा, क्योंकि भाई जोन के अंदर बस एक ही बिल्डिंग है। और भाई अगर तुम लोग वो वाला बिल्डिंग को होल्ड करके बैठे हुए हो, तो भाई कभी भी जोन के बाहर वाले बंदे से नॉक मत खाना। जोन के अंदर वाले बंदे से अगर तुम लोग नॉक खाओगे तो भाई चलेगा, लेकिन भाई जो बंदा जोन के बाहर और भाई उस वाले बंदे को जोन के अंदर आना है, तो वो अपना पूरा ट्राई करेगा तुमको नॉक निकालने का। और गाइस, अगर तुम लोग गलती से भी उस वाले बंदे से नॉक हो गए, तो भाई देखो फिर तुम्हारे ऊपर अंधा पुश आएगा, और भाई फिर तुम रिवाइव करने के चक्कर में नेट से मर जाओगे। तो भाई कभी भी जोन के बाहर वाले बंदों से नॉक मत खाना। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ मैंने इसका एक किल चोरी किया है सामने वाले बंदे का। और गाइस देखो, जोन के अंदर वाला बिल्डिंग होल्ड करने का भाई देखो यही फायदा होता है भाई, अगर तुम्हारे पास जोन के अंदर कवर है ना भाई, देखो फिर तुम चारों बगल फाइट ले सकते हो। लेकिन गाइस, अगर तुम्हारे पास एंड जोन में कोई भी कवर नहीं है, तुमको जोन के अंदर मूव इन करना है, तो गाइस तुम लोग कभी भी जोन के बाहर रुके ओपन वाला फाइट मत लेना भाई। तुम लोग जितना ज्यादा हो सके ओपन का फाइट को अवॉइड करो। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे ये बंदा बगी लेके आ रहा है जोन के अंदर, और भाई पता नहीं मेरे को उस टाइम पे किया हुआ, मैं इसको एक ही M6X मार रहा था, और भाई लकीली मेरा एक बुलेट एक चैम का इसको टच भी होता है। और भाई देखो, ये वाला बंदा ओपन में फंस चुका है भाई, इस वाले बंदे के पास कोई भी कवर नहीं है, बंदा भाई अपना फटा हुआ बगी के पीछे लेटा हुआ है। और भाई यहाँ पे मैं इस वाले बंदे का बगी फोड़ूंगा तो भाई वाला बंदा मर जाएगा। और भाई यहाँ देख लो गाइस, यहाँ पे जो फिलहाल अभी देखो 4 बंदा बचा रहेगा,
चार बंदा मतलब 2v2 का फाइट है ये, मेरे को उस टाइम पे यही लग रहा था, लेकिन भाई देखो मैं पूरा तरीके से गलत था, ये 2v1v1 का फाइट है। और भाई एक बंदा देखो सामने वाले कंपाउंड पे है, और भाई ये बंदा मेरे को ओपन में पिक कर रहा होता है। और गाइस देखो जैसा कि मैं तुम लोग को बताया हूँ, कभी भी जोन के बाहर वाले बंदे से एंड जोन में फाइट लेके नॉक मत खा जाना। तो भाई यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को पीक नहीं करता हूँ, मैं बस वेट कर रहा होता भाई तू जोन के अंदर आ तो मैं तुमको तब मारूंगा। और भाई यहाँ तुम लोग देखते जाओ, मैं बस यहाँ पे वेट ही कर रहा होता हूँ कि भाई जोन तो बनेगा ही। लेकिन भाई ये बंदा भी पूरा तरीके से ढीठ बंदा होता भाई, ये बंदा पीक किए जा रहा था भाई, ये बंदा जोन आने के लिए अभी तक स्मोक भी नहीं कर। भाई यहाँ देख लो, इस बंदे ने स्मोक किया जोन के अंदर आने के लिए। और भाई यहाँ पे देखो मैं नेट करने का ट्राई कर रहा होता हूँ, मेरे को उस टाइम तक यही लग रहा था कि भाई सामने दो बंदा है, दो बंदा जोन के अंदर आएगा। लेकिन भाई यहाँ पे इस वाले बंदे के साथ गलती सुन जाएगा, मतलब भाई इस वाले बंदे को एक सांप मार देता है। यहाँ तुम लोग देख रहे हो भाई, पीछे से कोई बंदा लेट के मार दिया इस वाले बंदे को। और फिलहाल देखो यहाँ पे 2v1 का फाइट होता है, और भाई यहाँ पे हम लोग का कतई ईजी चिकन हो जाएगा। और भाई देखो आज वाला गेम प्ले यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मैं तुम लोगों को अभी एक और मैच दिखाऊंगा। और भाई यहाँ देख लो, भाई यहाँ पे मैं फिलहाल मर चुका हूँ, मेरा पेटी बन चुका है, लेकिन गाइस मेरा टीममेट अभी भी शील्ड के पीछे होल्ड करके बैठा हुआ है। और भाई यहाँ पे इस बंदे के साथ जो सीन हुआ, मतलब भाई मेरे टीममेट के साथ जो सीन हुआ ना, तुम लोग देख रहे हो, बंदा कहाँ से आया, कहाँ पे मारा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और भाई यही होता है स्पीड हैकर में, भाई बंदा कौन सा बंदा हैक कर रहा होगा भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तुम लोग उसका किड देख रहे हो, सिर्फ दो का किड इस वाले बंदे का। और गाइस देखो अगर तुम्हारे मैच में कभी भी इस टाइप का स्पीड हैकर आता तो भाई कभी तुम लोग जोन के अंदर जाने की गलती मत करना। देखो गाइस मैं इस वाले मैच में #2 आया था, और भाई यहाँ पे देखो मैं जोन के अंदर जाने की गलती कर दिया भाई स्टार्टिंग में ही। और भाई यहाँ पे इस वाले बंदे ने देखो मेरे को किस तरीके से मारा है भाई, कवर के अंदर भाई बंदा मेरे को कैसे मार सकता है भाई, हर तरह का है इस वाले बंदे के पास। लेकिन चलो भाई कोई नहीं, आज नहीं तो कल भाई ये वाला बंदा भी बैन हो जाएगा। और फिलहाल देखो यही था आज का गेम प्ले। भाई अगर तुम लोग को आज वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना। और गाइस अगर तुम्हारे मैच में भी कभी हैकर आया है, और भाई तुम लोगों ने कभी भी हैकर को मारा है ना, तो भाई मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी गाइस मैं मिलता हूं तुम लोग से अपने अगले कौन करो लो गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय गाइस।